नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वायर में और आपके साथ मैं हूं महक। खबर शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं। सबसे पहले आप भी ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताते हैं। दरअसल ये वीडियो है कर्नाटक के गांव की, जहां बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा को लोगों ने एक मंदिर के शिलान्यास में जाने से रोक दिया। वहां मौजूद गांव के लोगों ने बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को दलित विरोधी कहकर गांव से चले जाने के लिए कह दिया। दोस्तों, कल अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसी कार्यक्रम से पहले कर्नाटक के गुज्जे गोदाना पूरा गाँव में एक मंदिर का शिलान्यास समारोह किया गया। ये गांव मैसूर जिले के हारोहली पंचायत में आता है। इसी गांव के ही पत्थर से अयोध्या में बने राम मंदिर में स्थापित हुई रामलला की मूर्ति तैयार की गई है। ये पत्थर जो एक दलित किसान जिनका नाम रामदास है उनकी जमीन से लिया गया है। वहीं दलित किसान रामदास ने गांव में राम मंदिर बनाने के लिए जमीन भी दान की। इसी मंदिर में 22 जनवरी को शिलान्यास समारोह किया गया। इस समारोह में गांव वालों के साथ पूर्व मंत्री एसआर महेश और स्थानीय विधायक जीटी देवगौड़ा सहित निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा से गांव के लोगों ने वहां से चले जाने के लिए कह दिया। असल में वहां के लोगों का कहना है कि प्रताप सिम्हा ने 10 सालों में कभी गांव का दौरा ही नहीं किया है, अब राजनीतिक कारणों से वो आ रहे हैं। भाजपा विधायक सहित अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि यहां आए और कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने कभी हमारी बात सुनने की जहमत नहीं उठाई। हम नहीं चाहते कि वो यहां आए। वहां लोगों ने ये भी कहा कि प्रताप सिम्हा दलित विरोधी हैं। लोगों ने कहा कि पिछले साल महिषा दशहरा के दौरान प्रताप सिम्हा ने दलित समुदाय और उनके नेताओं के खिलाफ बातें की थी। उनके कहने पर हमारे गांव के कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कभी भी गांव जाने की जहमत नहीं उठाई और ना ही कभी हमारी समस्याएं पूछी, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से पहले वो अचानक से आ गए। वहीं गांव वालों का गुस्सा देखकर प्रताप सिम्हा कुछ मिनट बाद ही वहां से चले गए। हालांकि इस दौरान स्थानीय विधायक जीटी देवगौड़ा ने लोगों को समझाया, लेकिन लोगों ने किसी की नहीं सुनी और बीजेपी सांसद को वहां से जाने के लिए कह दिया। वहीं इस घटना के बाद प्रताप सिम्हा का बयान भी सामने आया है। प्रताप सिम्हा ने कहा कि किसान रामदास और उनके बेटे ने उन्हें वहां बुलाया था, लेकिन कांग्रेस के चार लोग आकर ड्रामा करने लगे। कांग्रेस के लोगों ने मुझे कार्यक्रम में जाने से रोका, ये सब पॉलिटिक्स के लिए किया गया है। दोस्तों, बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का गांव वालों द्वारा विरोध करने पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही अब जाते जाते वीडियो को भी लाइक जरूर करके जाइएगा।